पूरे ब्रह्मांड को खंगालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एलियंस हमारे इस छोटे से सोलर सिस्टम में ही मौजूद है और नासा इन एलियंस को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने वाला है। नासा वाले सच में बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनका बजट भी खतरनाक है और इसीलिए अब ये जीवन की खोज में कुछ ऐसा भेजने वाले हैं जो आज से पहले कभी भी नहीं भेजा गया। वेल, इस चीज को नासा में एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट लीड कर रहे हैं। क्या भेजने वाले हैं, उससे पहले कहां भेजने वाले हैं, उस मंजिल को जरा समझ लेते हैं। हेलो जिज्ञासु पीपल्स, मेरा नाम है कृष्णा और सैटर्न, जो अपनी रिंग्स की वजह से जाना जाता है, इसके अराउंड ये आईसी मून्स प्रोबेबली लाइफ को कैरी करे हुए घूम रहे हैं। ये सभी अपने आप में बहुत स्पेशल है, लेकिन इनमें से एक है इंसेलेडस, सैटर्न का 6th लार्जेस्ट मून, जो धरती के मून के साइज के 1/7 है, बट हमारे चांद से लाखों गुना मिस्टीरियस, क्योंकि हर एस्ट्रोनॉमर आपको यही कहेगा कि हमारे सोलर सिस्टम में लाइफ मिलने का बेस्ट चांस इंसेलेडस पर ही है, लेकिन इस मून पे तो बर्फ के लंबे चौड़े पहाड़ है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर लाइफ है कहां? तो फ्रेंड्स, यू माइट गेट शॉक्ड टू नो कि इस मोटी बर्फ के नीचे एक पूरा वाटर वर्ल्ड है। 2004 में वहां पहुंचे कसिनी मिशन के डेटा ने हमें ये बताया कि पूरा मून उसके सरफेस के नीचे पानी से ढका हुआ है और मून के सरफेस की बर्फ में मौजूद क्रैक्स में से ये पानी कॉन्स्टेंटली जेट स्प्रे की तरह स्पेस में उछाल दिया जाता है, जिनमें वेपर्स, गैसेस और डेब्रिस होती है। वेल, इन क्रैक्स का आगे मिशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। वेल, इंटरेस्टिंगली इन्हीं वाटर गीजर्स में से कसिनी स्पेसक्राफ्ट ने प्रीवियसली 6 में से 5 की इंग्रेडिएंट्स फॉर लाइफ का पता लगाया था और अभी रिसेंटली इसी पुराने डेटा से फास्फोरस के भी एविडेंस मिले हैं, जिसका मतलब पूरे 6 की इंग्रेडिएंट्स वहां पर मौजूद है, जो हैबिटेबिलिटी को भी दर्शाता है। तो द क्वेश्चन हियर इज, नासा कर क्या रहा है? क्या यहां पर एक और ऑर्बिटर को भेजा जाएगा? उससे भी बुरा। तो क्या हम वहां पर एक रोवर को लैंड करवाने वाले हैं? उससे भी बुरा। नासा का मेन मिशन ना ऑर्बिट में जाना है, ना उस मून पर लैंड करना है, बल्कि उस मून के ओशन के अंदर घूम घूम कर लाइफ को खोजना है। क्वाइट फैसिनेटिंग, राइट? चलो जानते हैं कैसे। इससे मिलो, यह है नासा का ईल्स रोबोट, जो प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन में एक नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। ईल्स यानी एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वे, जो दिखने में किसी स्नेक की तरह है। अब कुर्सी की पेटियां बांध लो, क्योंकि हम समझने वाले हैं कि ईल्स आखिर वहां पर करने क्या वाला है। तो अब नासा के इस मिशन में लैंडर एक स्ट्रॉन्ग वाटर जेट के सोर्स के करीब लैंड करता है, जहां आइस में एक वेंट या यूं कहें कि क्रैक है। लैंड होने के बाद ईल्स लैंडर को छोड़ देता है और उस क्रैक के एकदम किनारे पर आ जाता है। रिमेम्बर, उस क्रैक से अभी बहुत ही फास्ट वेपर्स निकल रहे हैं। ईल्स अब अपने सराउंडिंग की स्टडी करने के बाद अपने एंकर को डिप्लॉय कर देता है और वेपर्स की स्ट्रीमलाइन फोर्स में अपने सेंसर्स हेड को डाल देता है और यहां से साइंटिस्ट को इन जेट्स के केमिकल कंपोजिशंस और इनके मैकेनिज्म के बारे में और ज्यादा पता लग जाता है। इसके बाद ईल्स अपने आप को धीरे धीरे प्रेशर सेंसर की मदद से प्रेशर के अगेंस्ट पुश करेगा यूजिंग साइड आइस वॉल्स। वेल, ईल्स वैसे 100 किलो का होगा और इसकी हाइट 4 मीटर तक लंबी होगी और ये 10 आइडेंटिकल सेगमेंट से मिलकर बना होगा, जो क्रू थ्रेड्स की मदद से रोटेट करते हैं फॉर बेटर ग्रिप, प्रोपल्शन एंड ट्रैक्शन, जिसमें ये अपने 4 कैमरास और लाइडार्स के पेयर की मदद लेगा, जिसमें ये रेडियो वेव्स की जगह शॉर्ट रेंज पल्सेस का यूज करेगा। इसके हर सेंसर से मिले डेटा से इसका एल्गोरिदम इसके लिए एक सेफेस्ट और बेस्ट रास्ते को चुनेगा या खुद बनाएगा। क्वाइट अमेजिंग कि इस 4 मीटर जितने स्नेक में किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। अब ईल्स आगे बढ़ते हुए एक स्पाइरल शेप की फॉर्मेशन करते हुए आगे बढ़ सकता है, लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पर कंसर्न है कि आगे बढ़ते हुए जो टेरेन्स और केव्स आएंगी वो और ज्यादा नैरो डाउन और छोटी होती चली जाएंगी। लेकिन ईल्स अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल कर वहां से भी निकल सकता है और फाइनली उस ओशन में पहुंच कर ये पता लगा सकता है कि क्या ये वहां पर अकेला है या इसके साथ वहां पर कोई और भी तैर रहा है। ये टेक फ्यूचर में कई और प्लैनेट्स पर जाकर डिस्कवरीज कर सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल लाइफ हमारी सोच से भी ज्यादा एक्सोटिक और डिफरेंट हो सकती है, उन एलिमेंट्स पर बेस्ड हो सकती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो, क्योंकि हम यही मानते हैं कि लाइफ कार्बन बेस्ड होनी चाहिए, राइट? डेफिनेटली हमारी इस लाइफ को लेकर नैरो थिंकिंग को चेंज करके और भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करना होगा और ऐसी एक्सप्लोरेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ईल्स हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, जिसके टेस्ट अभी नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में चल रहे हैं और इसे अभी रोहन ठक्कर लीड कर रहे हैं। इस ईल्स को जुपिटर के आईसी मून यूरोपा पर भी भेजा जा सकता है, जहां पर जूस मिशन अभी जा चुका है और करंटली अभी अपने रास्ते में है और इस जूस मिशन की वीडियो को आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। हाईली रिकमेंडेड है कि आप इसे देखो, कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा और इस वीडियो को एक लाइक करके जाओ। चैनल पर नए हो तो कुछ मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं आप सबसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और अमेजिंग साइंस टॉपिक के साथ। अब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।